इस ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। इस ट्रेनिंग सेशन में हम NABH 5th एडिशन के अनुसार बने हुए सेफ्टी मैनुअल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के ट्रेनिंग सेशन में हम FMS 3EF हैजार्डस मटेरियल मैनेजमेंट प्लान डिस्कस करेंगे। NABH स्टैंडर्ड FMS 3EF के अनुसार हैजार्डस मटेरियल मैनेजमेंट प्लान पॉलिसी में हम डिस्कस करेंगे कि हॉस्पिटल में हैजार्डस मटेरियल को कैसे आइडेंटिफाई, स्टोर और हैंडल करना चाहिए ताकि हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज और पेशेंट्स को इनसे कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए हॉस्पिटल ने एक कॉम्प्रिहेंसिव हैजार्डस मटेरियल मैनेजमेंट प्लान डेवलप किया है। हैजार्डस मटेरियल कोई भी ऐसी चीज या ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे ह्यूमन या बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खतरा हो। इसमें रेडियो एक्टिव और बाकी तरह के केमिकल मटेरियल आते हैं। हॉस्पिटल में पाया जाने वाला सबसे आम हैजार्डस मटेरियल है बायोमेडिकल वेस्ट। इसकी मैनेजमेंट के लिए हॉस्पिटल ने एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपरली सेग्रीगेट किया जाता है और डिस्पोज ऑफ किया जाता है। एक एक्सटर्नल एजेंसी हॉस्पिटल से ये बायोमेडिकल वेस्ट ले जाती है और इसको फाइनल ट्रीटमेंट के बाद प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करती है। हैजार्डस मटेरियल मैनेजमेंट के लिए हैजार्डस मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल की सेफ्टी कमेटी ने हॉस्पिटल में पाए जाने वाले सभी हैजार्डस मटेरियल्स को आइडेंटिफाई किया है और इनके लिए इनकी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट को कंपाइल किया है जो कि इसी पॉलिसी में लगाई गई है ताकि इन सारे हैजार्डस मटेरियल को प्रॉपरली हैंडल किया जा सके। अब हम बात करेंगे हैजार्डस मटेरियल की सेफ हैंडलिंग के लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस के बारे में। इस पॉलिसी में लगी हुई हैजार्डस मटेरियल की लिस्ट के मुताबिक आपको ये पता होना चाहिए कि आपके वर्क एरिया में किस किस तरह के हैजार्डस मटेरियल रखे गए हैं। हमेशा ये इंश्योर कीजिए कि हैजार्डस मटेरियल जब भी किसी रैक या कैबिनेट में रखे जाएं तो वो फ्लोर के नजदीक हों ताकि उनके गिरने का खतरा कम हो। जहां भी ये केमिकल आप स्टोर करें, ध्यान रखें कि इस पॉलिसी में दी गई मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट या उस केमिकल की मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जहां पे वो केमिकल स्टोर किया गया है उसके नजदीक डिस्प्ले की गई हो। जब भी आप कोई हैजार्डस मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि इस्तेमाल करने के बाद इसे वापस इसकी ओरिजिनल जगह पे वापस रखें। कभी भी हैजार्डस मटेरियल के डब्बों को खुला अनअटेंडेड ना छोड़ें। ध्यान रखें कि हैजार्डस केमिकल्स के ओरिजिनल कंटेनर में से केमिकल को निकालकर किसी और कंटेनर में कभी ना डालें। अगर आपको ऐसा करने की जरूरत पड़ रही है तो ये इंश्योर करें कि जो नया कंटेनर आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसके ऊपर लेबल लगा हो जिसमें इस हैजार्डस केमिकल का नाम अच्छे से लिखा हो ताकि इसे आइडेंटिफाई किया जा सके। हैजार्डस केमिकल्स को कभी भी पानी की बोतलों या जूस की बोतलों में ट्रांसफर ना करें। अब हम बात करेंगे कोड येल्लो की। कोड येल्लो एक डेडिकेटेड कोड है जो कि स्पिल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। हॉस्पिटल में अगर किसी हैजार्डस केमिकल का स्पिल हो जाता है या ब्लड का स्पिल हो जाता है तो हम कोड येल्लो का इस्तेमाल करते हैं। कोड येल्लो की टीम में इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, हाउसकीपिंग के सुपरवाइजर और हाउसकीपिंग स्टाफ इन्वॉल्व रहता है। हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ अगर किसी तरह का स्पिल नोटिस करता है जैसे कि ब्लड या और कोई हैजार्डस केमिकल तो वो हॉस्पिटल के कोड नंबर पे कोड येल्लो की इंफॉर्मेशन देता है। उसके लिए वो 200 पे कॉल करता है और बताता है कोड येल्लो और जिस लोकेशन पे ये स्पिल हुआ है। जैसे कि अगर ट्रेनिंग रूम में हुआ है तो आप कहेंगे कोड येल्लो ट्रेनिंग रूम, कोड येल्लो ट्रेनिंग रूम, कोड येल्लो ट्रेनिंग रूम। ये इंफॉर्मेशन आप 3 रिपीट करेंगे। फ्रंट ऑफिस स्टाफ जब ये इंफॉर्मेशन नोट डाउन करता है उसके बाद वो हॉस्पिटल के पब्लिक एड्रेसल सिस्टम पे इसे इंफॉर्मेशन को 3 दोहराते हैं। इससे कोड येलो टीम के मेंबर भी इस इंफॉर्मेशन को सुन पाते हैं और अपनी हैजमेट किट को लेके जिस एरिया में स्पिल हुआ है वहां पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहां पे पहुंचकर हाउसकीपिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर और इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स जो कि कोड येलो टीम के मेंबर्स हैं इस स्पिल को उस केमिकल की मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के हिसाब से मैनेज करते हैं। स्पिल्स को हैंडल करने का जनरल प्रोसीजर ये है। जैसे ही कोड येलो टीम स्पिल वाले एरिया में पहुंचती है वो उस एरिया को
कॉर्डन ऑफ करते हैं, यानी कि उसके चारों तरफ साइनेगीज लगाते हैं ताकि लोगों को यह पता लग जाए कि यहाँ पे स्पिल हुआ है और लोग उसके ऊपर से ना गुजरें। ये साइनेगीज इनकी हैजमेट किट में रहते हैं। इसके बाद कोई नज़दीकी खिड़की अगर अवेलेबल है तो उसको खोला जाता है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। केमिकल स्पिल के लिए ऐसा करना ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि फॉर्मलिन के स्पिल में फॉर्मलिन की फ्यूम्स पूरे कमरे में भर जाते हैं जिससे वहाँ काम करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद कोड येलो टीम के मेंबर अपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं जिसमें कि हेड कैप, आई ग्लासेस, मास्क, ग्लव्स, गाउन और शू कवर्स रहते हैं। इसके बाद नज़दीकी येलो डस्टबिन या शार्प बिन को स्पिल के पास लाया जाता है। अगर इस स्पिल में कोई शार्प चीज़ पड़ी हुई है जैसे कोई कांच के टुकड़े, तो उन्हें हैजमेट किट में दिए गए ट्वीज़र से उठा करके शार्प बिन में डाल दिया जाता है। इसके बाद केमिकल की मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के हिसाब से स्पिल के ऊपर कोई एब्जॉर्बेंट डाला जाता है। रेत या सैंड एक न्यूट्रल एब्जॉर्बेंट है जो सभी स्पिल्स में इस्तेमाल किया जाता है। एक बार ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल स्पिल को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर इस एब्जॉर्बेंट मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है। इसे इकट्ठा करने के लिए हैजमेट किट में दिए गए डस्ट कलेक्टिंग पैन का और एक्सरे फिल्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस कलेक्टेड मटेरियल को येलो बिन में डिस्कार्ड कर दिया जाता है और फ्लोर को साफ कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे मेजर ब्लड स्पिल को कैसे हैंडल किया जाएगा। कोड येलो अनाउंस होते ही हैजमेट टीम इस एरिया में पहुंचेगी, एरिया को कॉर्डन ऑफ करेगी और उसके चारों तरफ स्पिल के साइनेजेस लगाएगी। नज़दीकी खिड़की को खोलेंगे ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। इसके बाद अपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेंगे, नज़दीकी येलो डस्टबिन और शार्प बिन को स्पिल वाले एरिया के नज़दीक लाएंगे। अगर स्पिल में कोई शार्प चीज़ पड़ी हुई है जैसे कांच के टुकड़े, तो उन्हें हैजमेट किट में दिए गए ट्वीज़र से उठाएंगे और शार्प बिन में डाल देंगे। इसके बाद ब्लड कंटेंट को कम करने के लिए उसके ऊपर एब्जॉर्बेंट डाला जाएगा जो कि हो सकता है रेता, कॉटन, कागज। एक बार जब स्पिल एब्जॉर्बेंट मटेरियल में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इस एब्जॉर्बेंट मटेरियल को कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करते हुए ये ध्यान रखना है कि हमें इसे साइड से सेंटर की तरफ कलेक्ट करना है ताकि हम जो भी चीज स्पिल हुई है उसको और ना फैला दें। एक बार ये कलेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम इस एरिया पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन डालकर पूरे एरिया को कवर कर देंगे और उसे 10 मिनट तक के लिए ऐसे ही रहने देंगे। इससे फ्लोर डिकंटेमिनेट हो जाएगा। 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड को उठाने के लिए फिर से हम इसके ऊपर एब्जॉर्बेंट मैटर डालेंगे जो कि कॉटन, एब्जॉर्बेंट पेपर या सैंड कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद फिर से इसे साइड से सेंटर की तरफ इकट्ठा करते हुए उठा लेंगे। ये सारा मटेरियल येलो डस्टबिन में डाल दिया जाएगा और अंत में फ्लोर को 0.05% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ साफ कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे माइनर ब्लड स्पिल हैंडल करने की। माइनर ब्लड स्पिल हैंडल करने के लिए भी अगर आपने कोड येलो अनाउंस किया है तो कोड येलो टीम आएगी और उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करेगी, अप्रोप्रिएट साइनेजेस लगाएगी ताकि लोगों को स्पिल के बारे में पता लग सके, नज़दीकी खिड़की को खोलेंगे ताकि वेंटिलेशन हो सके और कोड येलो टीम के लोग अपनी पीपीई किट पहनेंगे, नज़दीकी येलो डस्टबिन और शार्प बिन को स्पिल एरिया के नज़दीक लाएंगे। अगर स्पिल में कोई शार्प्स हैं तो उन्हें हैजमेट किट में दिए गए ट्वीज़र से उठा करके शार्प बिन में डालेंगे। अब ब्लड स्पिल के ऊपर सीधे ही 0.05% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा और उसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा। 10 मिनट के बाद इस स्पिल के ऊपर कोई भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल डाला जाएगा जैसे कि सैंड, कॉटन या पेपर, और एक बार जब ये मटेरियल स्पिल को एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर उसे साइड से सेंटर की तरफ इकट्ठा करके येलो डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। इसके बाद फ्लोर को 0.05% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से साफ किया जाएगा। हॉस्पिटल में पाए जाने वाले हैजार्डस मटेरियल और उनकी लोकेशन के हिसाब से एक लिस्ट बनाई गई है जो कि आपके मैनुअल में दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल में पाए जाने वाले कॉमन हैजार्डस मटेरियल को लिस्ट किया गया है। आपके अपने काम करने के एरिया में कौन सा हैजार्डस मटेरियल पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए और उसकी MSDS उसके पास डिस्प्ले होनी चाहिए।
ये हम अभी देख रहे हैं मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। जितने भी केमिकल्स हॉस्पिटल में पाए जाते हैं जो कि हैजार्डस हैं, उनके लिए ऐसी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट इस पॉलिसी में लगाई गई है। एक मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में उस केमिकल के बारे में ये जानकारी अवेलेबल होती है, जैसे कि उस केमिकल का नाम, उस केमिकल की फ्लेमेबिलिटी, यानी कि वो फ्लेमेबल है या फ्लेमेबल नहीं है, यानी कि उसमें आग लग सकती है या नहीं, उसका कोरोसिव स्टेटस कि उससे आपका हाथ या और कोई लकड़ी का गत्ते का सामान खराब हो सकता है या नहीं, उसकी स्टोरेज के लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन कि इसे कहाँ और कैसे स्टोर करना है, अगर वो केमिकल आपकी आंख में गिर जाए तो क्या करना है, अगर वो केमिकल आपकी स्किन की कॉन्टैक्ट में आ जाए तो क्या करना है, अगर आपने वो केमिकल सूंघ लिया है तो क्या करना है, यदि गलती से वो केमिकल किसी ने खा लिया है तो क्या करना है, अगर उस केमिकल में आग लग गई है तो उसे कैसे रोका जाएगा, और अगर उस केमिकल का स्पिल हो गया है तो उसे कैसे कवर किया जाएगा या कैसे हैंडल किया जाएगा।